नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान गुप्ता, ईशान हार्ट सेंटर आगरा से। हर बार मैं आपसे कार्डियोलॉजी की रिलेटेड बातें करता था, हार्ट डिजीज़ की बातें करता था, पर आज मेरे मित्र डॉक्टर आवेग भंडारी यहाँ मौजूद हैं। ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इंदौर के जाने माने डीएम न्यूरोलॉजिस्ट हैं। आज हम कुछ न्यूरो से रिलेटेड यानी स्नायु तंत्र से रिलेटेड बीमारियों की चर्चा करेंगे इनसे। तो डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर आवेग भंडारी इंदौर शहर में इंदौर न्यूरो सेंटर पर प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट एवं डायरेक्टर हूँ। ये न्यूरोलॉजी में क्या क्या हमारे ऑर्गेन्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले न्यूरोलॉजी में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी और स्नायु तंत्र का वो वाला हिस्सा भी इन्वॉल्व होता है, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि ये हमारी न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी पेरिफेरी तक जाते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें जो बीमारी होती है सबसे ज़्यादा जो जानलेवा बीमारी जिसे हम कहते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, यानी ब्रेन का भी अटैक जो होता है ब्रेन स्ट्रोक, जिसमें पैरालिसिस होती है, लकवा मार जाता है, उसके बारे में डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे सबसे पहले। और साहब ये बताइए कि ये जो स्ट्रोक होता है ये क्या होता क्या है? स्ट्रोक या पक्षाघात जिसे कहा जाता है, मस्तिष्क की नसों में, नलियों में, खून की नलियों में अवरोध आने से होता है। ये मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इश्मिक स्ट्रोक, जिसमें मस्तिष्क में खून ले जाने वाली नलियों में थक्का जम जाता है। इसे आप इस तरह से समझें कि जैसे एक हृदयाघात होता है, हार्ट अटैक होता है, जिसमें हार्ट में खून ले जाने वाली नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उसी तरह मस्तिष्क में खून ले जाने वाली नसें जब ब्लॉक होती हैं तो उससे ब्रेन स्ट्रोक, पक्षाघात, पैरालिसिस होता है। दूसरा प्रकार का ब्रेन स्ट्रोक है हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है कि दिमाग में खून ले जाने वाली नलियाँ फट जाती हैं, उनके फटने से होता है। और यही दो प्रमुख तरह के ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि समय, एक निर्धारित समय में अगर मरीज आप तक पहुंच जाता है तो उसमें इलाज के बहुत अच्छे और आधुनिक विकल्प उपलब्ध हैं, और जितना जल्दी इलाज शुरू किया जाए उतना फ़ायदा हम मरीज को पहुंचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि स्ट्रोक के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, मतलब मरीज किस तरह से प्रेजेंट करता है हमारे पास? आमतौर पर चेहरे का टेढ़ा हो जाना, हाथ या पैर में अचानक कमजोरी आ जाना, आवाज़ का लड़खड़ा जाना, चलने में अस्थिरता होना, तेज सरदर्द या उल्टियां होना, ये स्ट्रोक के, पैरालिसिस के प्रमुख लक्षण हैं। जब हमारे पास स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया उसको पैरालिसिस की शिकायत होती है, तो सबसे पहले हमने इसका सिम्टम समझ लिया। अब इसके रिस्क फैक्टर के बारे में ज़रा जानते हैं कि क्या क्या ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे ये पैरालिसिस की शिकायत ज़्यादा देखने को मिल रही है आजकल? आजकल प्रमुख कारण वही हैं जो ज़्यादातर हृदयाघात के कारण हैं, जैसे उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होना, शुगर की बीमारी होना, खासतौर पे अनियंत्रित शुगर की बीमारी। तीसरा है धूम्रपान। धूम्रपान एक प्रमुख कारण है जो आजकल खासतौर पे युवावस्था में ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिल रहा है उस वजह से। और भी कई कारण है इसमें, जिसमें खून से संबंधित विकार होना, जिसमें खून अचानक गाढ़ा हो जाता है या पतला हो जाता है, दिमाग की चोट या संक्रमण, इन्फेक्शन, उसके कारण भी कभी कभी दिमाग में खून ले जाने वाली नलियों में अवरोध होता है जिसके कारण स्ट्रोक हो सकता है। तो स्ट्रोक का हमने कारण समझ लिया, स्ट्रोक का मतलब समझ लिया, स्ट्रोक में क्या होता है वो समझ लिया। अब इसका उपचार पे आते हैं कि इसमें हम प्रमुख तरह से क्या क्या उपचार दे सकते हैं मरीज को जिससे उसकी इस बीमारी में उसको फ़ायदा हो जाए, बताइए डॉक्टर साहब। जो इश्मिक स्ट्रोक है जिसमें दिमाग के अंदर खून की नलियों में अवरोध आ जाता है, थक्का जम जाता है, उसमें एक इलाज होता है जिसे कहते हैं थ्रोम्बोलाइसिस। इसमें कुछ दवाइयों का प्रयोग किया जाता है जो क्लॉट बस्टर दवाइयाँ हैं, जो उस निर्धारित समय में 4.5 घंटे के अंदर अगर हम वो इंजेक्शन या दवाई देते हैं तो उससे वो थक्का हाथों हाथ टूट जाता है और उसमें हमें बहुत अच्छा सुधार मरीज में देखने को मिलता है। पर इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ मानक हैं कि जिसके अनुसार ही हम दवाइयाँ दे सकते हैं। उसमें ये जरूरी है कि मरीज निर्धारित समय में हमारे पास पहुँचे, मरीज को कभी पहले कोई दिमाग में नस फटने वाला स्ट्रोक नहीं हुआ हो और उसका बीपी 180 से कम हो। अगर इस तरह के मानक हैं और मरीज निर्धारित समय में पहुंच जाता है तो क्लॉट बस्टिंग थेरेपी या थ्रोम्बोलाइसिस बहुत अच्छा रहता है।
हमने इसका ट्रीटमेंट समझ लिया। अब हम इसमें कुछ सवाल ऐसे लेंगे जो मरीज अक्सर हमसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि स्ट्रोक का पेशेंट हमने इसे इलाज भी दे दिया, वो टाइम पे आ गया, थ्रोम्बोलिसिस भी कर दिया, पर क्या ये जो पैरालिसिस होती है क्या ये पूरी तरह से रिकवर हो जाती है? अगर होती तो कितना टाइम लेती है, और अगर पेशेंट लेट आए तब क्या रिकवर हो पाती है? जरा इस पर कुछ रोशनी डालिए। ज़्यादातर मामलों में लकवे का जो सुधार है इलाज के साथ वो बहुत अच्छा होता है। दिक्कतें तब आती है अगर मरीज आपके पास लेट पहुंचता है, या फिर अन्य इलाज जो कि वैज्ञानिक इलाज नहीं है, झाड़ फूक, दूसरे तरह के तंत्र विद्या, जादू टोना इत्यादि में अगर अपना समय खर्च करता है और लेट आता है न्यूरोलॉजिस्ट के पास तो दिक्कतें होती हैं। जरूरी यह है कि मरीज सही समय में सही विशेषज्ञ के पास, यानी कि इस संबंध में न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुँचे, जिससे उसका सही इलाज किया जा सके। समय के अंदर आने से बहुत फ़ायदे हैं। अगर मरीज लेट भी आता है तो भी उसके लिए दूसरे उपचार उपलब्ध हैं, दूसरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो हम देते हैं, और ज़्यादातर मरीजों में बिना ऑपरेशन के ही ये इलाज हो जाता है। एक सवाल और मरीज पूछते हैं कि इसमें क्या दवाइयाँ ताउम्र चलती हैं, और बाकी ऐसे स्ट्रोक जुड़ा होता है डायबिटीज़ के साथ, ब्लड प्रेशर के साथ, उनकी दवाइयाँ तो चलती हैं, तो इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? जो पक्षाघात के या स्ट्रोक के कारक हैं, जो रिस्क फैक्टर हैं, उनके लिए दवा हमेशा चलेगी। जैसे मान लीजिए अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है या शुगर है तो उनको नियंत्रित करने की दवाइयाँ। अगर इस्मिक स्ट्रोक हुआ है जो दिमाग में थक्का जमने से होता है तो खून पतला करने वाली दवाइयाँ ताउम्र चलती हैं। बाकी जो दवाइयाँ होती हैं जो थक्का तोड़ने को अर्जेंट में दी जाती हैं, या फिर जो दूसरी दवाइयाँ नसों में प्रवाह बनाए रखने के लिए दी जाती हैं, वो दवाइयाँ धीरे धीरे समय और सुधार के साथ क्रमशः कम होती जाती हैं और ज़्यादातर मरीजों में बंद हो जाती हैं। हमने जान लिया स्ट्रोक क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसमें क्या उपचार मौजूद है, और जो सवाल होते हैं मरीजों के अक्सर की दवाई कितना चलेगी, वो सब हमने जान लिया है। तो आज स्ट्रोक का एपिसोड ये आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी हेल्थ रिलेटेड ऑथेंटिक वीडियोज़ हम आप तक देते रहें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मुझे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप ईशान आर्ट सेंटर आगरा में आके मुझे दिखा भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।